बहुत थे। और बताया क्या के? इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोलिए भारत माता की जय। क्या बताया के? भारत मातरी कथा अधूरी, भारत मातरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी। मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बीस रुपए दिए नौजवान भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रोताओं बताया कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना और इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बहुत अच्छी लाइन है कवि ने लिखी। बताया श्रोताओं, आजकल बताया जाता है कि जो हमारे जब हमारे देश के अंदर आजादी आई तो बिना लड़ाई दंगे के आजादी आई थी। आप सभी मानते हो कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जब इस भारत देश में आजादी आई? हाथ उठाना कितने लोग मानते हैं। क्या बोला है मैंने, आपको समझ में आया कुछ? मैंने ये बोला है कि ये बताइए कि जब इस भारत देश के अंदर आजादी आई तब लड़ाई झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना। लेकिन आजकल हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है, ये बोला जाता है कि हमारे भारत देश में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आजादी ऐसे ही आ गई। श्रोताओं बताया, अरे कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। अगर लाइन अच्छी लगे तो दो हाथों की तालियां जरूर चाहूंगी। आइए, क्या बताया कि कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहिब, चरखे से आजादी आई थी। बताया श्रोताओं, वैसे तो जो महात्मा गांधी जी हैं वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, क्या कि मैं सम्मान करती हूँ उन गांधी वाली सिखों का, धन्यवाद, कि मैं सम्मान करती हूँ उन गांधी वाली सिखों का, लेकिन आज भी हमारे सर के ऊपर कर्जा है भगत सिंह की चीखों का। ऐसे ही इस भारत देश के अंदर आजादी नहीं आई, आजादी आई जब इस भारत देश में आजादी आई, कितनी माताओं के लाल उस बॉर्डर पर शहीद हो गए, कितनी पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, लेकिन आज कहा जाता है कि आजादी जब आई जब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। श्रोताओं आप सभी बताना, आप सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि है कसम तुम्हें सच बतना ना देंगे सम्मान सभी तुमको, क्या नवयुवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको, अगर याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी, जिनकी विधवा बन अनाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा हिंसा कर पर ले ना कर दिया, हिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, अरे उसने तार भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता। पहली कली के अंदर क्या बताया जरा सुनिएगा। हुए शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए, मंगल पांडे चंद्र शेखर, मंगल पांडे चंद्र शेखर मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी। मेरे देश में आजादी ना आती,
सुभाष विनायक देश में आचार दीनाती हे तो वीर सुभाष विनायक सारी थी डांस की किस किस ने फरमाइश की थी एक बार हाथ उठाना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने फरमाइश की थी। लेकिन आप सभी के लिए कुछ नौजवानों के लिए मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ, अगर अच्छी लगे तो खुद आपको ही ताली बजानी है। बताया कि क्यों मरते हो बेवफो सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफो सनम के लिए, दो गज जमी नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए, जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी तो ये महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के लिए। बताया श्रोताओं कि ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया। कौन सी ऐसी वीरांगनाएं थी किसी को पता है? नाम जानते हो? पता है किसी को? बहुत बढ़िया। जब हम छोटे थे तब पढ़ा करते थे कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई तो हमारा देश कितना अच्छा है। आइए सुनेगा दूसरी गली के अंदर क्या बताया। और इस बेहतरीन प्रस्तुति पर हमारे SRW ट्रांसपोर्ट कंपनी भाई ने 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। हाँ आजाद कराया उनकी क्या हालत हो गई कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। तीसरी कली के अंदर क्या बताया सुनेगा। सबसे बढ़ के वीर बोस थे गौरे देह सत मान गए फौज तारी आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए। फौज तारी आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए।
श्रोताओं बताया कि ना जाने कौन सी रात आखिरी हो, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, और जिंदगी में ऐसे ही हंस से मुस्कुराते रहो दोस्तों, ना जाने कौन सी वो रात आखिरी हो। इसलिए बताया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। आज सभी को एक प्रण लेना है, वो क्या है एक बार जयकारा लगा के दिखाना है। बोलिए भारत माता की जय। और कहना है क्या क्या कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे बच्ची है अगर गर्म लहू की एक भी बूंद हमारे सीने में, तब तक अपनी भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आइए क्या बताया आखिरी गली के अंदर कैसे रुक जा यार, रुको करियो भैया कवर यार। लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी हिंदुस्तान ये बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी हिंदुस्तान ये बना दिया। वीर सुभाष बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, देश में आजादी ना आती, ये तो वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, जोरदार तालियां।